हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माइंड चैनल। सो आज हम लोग यरकौड़ में हैं और ये दिन का शुरुआत है। मेरे ख्याल से दिन का शुरुआत अच्छी चाय मिल जाए तो दिन का शुरुआत बहुत ही अच्छा से गुजर जाता है। तो चलिए आगे की तरफ, बहुत ही सुंदर प्लेस है, आपको बहुत बहुत प्लेसेस देखने को मिलेगा। चलिए, ये रहा तंदूरी चाय। सुबह सुबह का चाय का मजा कुछ अलग होता है। अरे मस्त चाय फ्रेंड्स। ये पीछे जो देख रहे हो ये है यरकौड़ लेक। कल रात में तो लेक बढ़िया दिख रहा था और बोटिंग हो रहा था, आज कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मजा की बात है क्योंकि बादल आ जाता है, फिर दो सेकंड एक सेकंड के अंदर फिर चला जाता है। आप बहुत बड़ा लेक है, वो बहुत बड़ा लेक है। यहाँ पे बोटिंग होता है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं पता नहीं, देखिए मैं मुझे तो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर दो बोट चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा लेक है। अभी ये जो यरकौड़ लेक आप देख रहे हो ये बिल्कुल बीचों बीच यरकौड़ टाउन का अंदर आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन सुबह का जो वीडियो आपने देखा था या फोटो देखा था वो करीबन 10:30 या 11:30 के आसपास था, लेकिन अभी का टाइम 2:30 है, अब क्लियर विजिबल है लेक का अंदर। और हमने अभी पहुँच चुके हैं स्कूल में, तो चलिए इसका बारे कुछ बताना चाहूँ। स्कूल का नाम है माउंट फोर्ट स्कूल, बहुत ही पुराना, 1917 में स्कूल बना गया था और बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल स्कूल है यरकौड़ में और सबसे पुराना माउंट फोर्ट स्कूल इंडिया में। आप इसके अंदर पूरा जाओगे तो एक बहुत ही बढ़िया 10-15 मिनट का वीडियो बन जाएगा, लेकिन हमको अलाउ नहीं किए अंदर जाने के लिए, तो सिर्फ अपने जितना हो सके उतना कैप्चर करके आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो प्लेस आप देख रहे हो इसको कहते हैं पगोडा पॉइंट। यरकौड़ में सबसे ऊंचाई पर ये प्लेस आता है, इसको बहुत ही सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया टाइम रहेगा आपके लिए 3:30 से 5 बजे का अंदर, क्योंकि अभी हमने पहुंचे लेडीज सीट। पता नहीं लेडीज सीट होता क्या है, यहाँ पे सब लोग आए हैं, चलते हैं, चलते ऊपर चलते हैं, ऊपर जाने के बाद पता चलेगा क्या है लेडीज सीट। लेडीज सीट एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। आप यहाँ पे कभी आते हो तो शाम का टाइम पे आइए, यहाँ पे आपको सनसेट का साथ प्रकृति के सौंदर्य का मज़ा ले सकते हो। और बहुत ही सुंदर प्लेस है और यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है और सही टाइम रहेगा यहाँ पे आने के लिए 9 से 15 फरवरी। जैसे आप लेडीज सीट से जो वहाँ पे जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे ख़त्म करके जैसे आप आओगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारा परफ्यूम, बहुत सारा आयुर्वेदिक ऑयल, चॉकलेट, ये सारे दुकान मिलेगा। आपको मन होगा तो वो भी ले सकते हैं। ये रहा यरकौड़ टाउन का नाइट व्यू। खास कुछ यहाँ पे नाइट में दिखने को नहीं मिलेगा या अच्छा रेस्टोरेंट या होटल आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपको नॉनवेज खाना पसंद करते हो तो यहाँ पे फेमस फिश तवा फ्राई ट्राई कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगेगा, मैंने भी ट्राई किया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था।
हाँ, आपको कुछ खाना चाहते हो तो रोड साइड में से आपको दुकान मिलता है दिखने को, आप उसी दुकान में आपको खाना खा सकते। यहाँ पे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो तंदूरी चाय एंड फिल्टर कॉफी, बहुत बढ़िया बनता है, बहुत स्वादिष्ट है, पीने को मज़ा आएगा। और यहाँ पे आते हो तो हिंदी या इंग्लिश 99% लोग समझते नहीं या बोलते भी नहीं हैं, और आपको तमिल लैंग्वेज आता है तो बहुत बढ़िया है, आप हर चीज़ में फ़ायदा उठा सकते हो, या लोकल लोगों से बात करके कुछ बार्गेनिंग कर सकते हो। खासकर यहाँ पे ज़्यादा बार्गेन करते नहीं हैं, फिर भी आपको कुछ खरीद करना चाहते हो या कुछ, तो लोकल लैंग्वेज आप जानते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे ही शानदार वीडियो मैं आपका पास लेके आऊँगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।